नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आज हमारे पास वैगनार है, इसका हम सर्विसिंग करने वाले हैं, इसका इंजन ऑयल चेंज करने वाले हैं। इसमें इंजन ऑयल चेंज करने के लिए क्या क्या करना पड़ता है वो आपको दिखाएंगे। इसका फिल्टर चेंज करना है और ये पीछे जो सम्प का ड्रेन नट होता है उसको खोलना है। यह 14 नंबर का ड्रेन नट है, उसको खोल के हम बाहर निकाल देंगे। और ये फिल्टर खोलने का एक हमारे पास पुलर होता है, उससे फिल्टर खोल के इसको नीचे गिरा देंगे। इसको फिल्टर पूरा खोल के इसका तेल निकाल देंगे। फिल्टर खोल दिया है, पीछे जो ड्रेन नट है वो भी खोल दिया है, और सम का जितना भी तेल है, इंजन का जितना भी तेल है वो पूरा नीचे आ चुका है। और हम इसमें इंजन ऑयल डालेंगे, वो अच्छी ग्रेड का डालना चाहिए, फिल्टर हमें ओरिजिनल लगाना चाहिए। और कितना लीटर इसमें इंजन ऑयल आता है वो आपको दिखाएंगे, तो हमारा वीडियो पूरा देखना। ये हमारा इसका ओरिजिनल फिल्टर है और तेल है 0W20। तो जो फिल्टर जो हम नीचे लगाएंगे, उस फिल्टर को हम एक बार फिलअप कर लेंगे। फिल्टर पूरा भर के जो इसकी ओरिंग होती है उसके ऊपर एक बार उंगली से पूरा ऑयल लगा देंगे, क्योंकि वहाँ से लीक ना करे, एयर रहेगी तो वहाँ से लीक करेगा। तो इस फिल्टर को हमने पूरा भर लिया है। भरने के बाद हम इस फिल्टर को लगा देते हैं नीचे। आपको हम दिखाएंगे किस जगह लगाना है। जो हमारा जो पुलर था जहाँ से हमने फिल्टर खोला है, वहीं पर उसको एक बार कपड़े से साफ करके फिर लगाना है हमने। और ये इसके अंदर जो एडप्टर रहता है वो लूज रहता है, ध्यान रखना है। अगर ये एडप्टर लूज है तो इसको टाइट कर लें। और कई लोग बोलते हैं एडप्टर की चूड़ी ख़राब हो जाती है, तो फिर अब क्या होगा, तो ये एडप्टर दूसरा मिल जाता है, हम इसको दोबारा भी लगा सकते हैं। तो इस एडप्टर को एक बार, ये खुला हुआ था इसका, तो एक बार अच्छे से टाइट कर लें, चेक ज़रूर करें एडप्टर को, नहीं तो ऑयल लीक करने के चांस रहते हैं। तो हम इसको एडप्टर को अच्छे से टाइट करके यहाँ पे हम फिल्टर दोबारा लगा देते हैं। जो फिल्टर हमारा है जिसमें हमने ऑयल डाला था, ये फिल्टर को, ये नया फिल्टर है, इसको हम दोबारा यहाँ पे लगा दे रहे हैं। फिल्टर लगाने का तरीका वही है जैसे हमने खोला था। एक बार हाथ से इस ध्यान रखें कि चूड़ी अगर टाइट चढ़ रही है तो हम वहीं रुक जाएं, अगर चूड़ी सही चढ़ानी है, अगर चूड़ी गलत चढ़ गई तो गड़बड़ हो जाएगा। फिल्टर हमारा टाइट हो गया, एक बार साफ़ करके इसको दोबारा जब गाड़ी स्टार्ट करेंगे तो चेक ज़रूर करेंगे। और पीछे का जो सम्प का ड्रेन नट था उसको हम टाइट कर देंगे। कई लोग भूल जाते हैं तो फिर गड़बड़ हो जाता है, ऊपर से तेल डालते हैं नीचे तेल निकलता रहता है। तो अब हम इस तेल को, तेल इंजन ऑयल गाड़ी में डालने वाले हैं। ये तरीका हमारा इंजन ऑयल, यहाँ पे एक हमने बोतल ली है, कुप्पी नहीं थी, तो बोतल आधा, ये 3.5 लीटर का इंजन ऑयल का लेके आए हैं। तो इसमें हमें 3 लीटर से थोड़ा कम डालना है, क्योंकि इसमें पहले का भी थोड़ा रहता है। फिर हम डिपस्टिक से चेक कर लेंगे, चेक करने के बाद अगर सही है तो ठीक है, और नहीं तो फिर बाद में भी हम डाल सकते हैं। तो हम थोड़ा कम डालेंगे, फिर बाद में हम डाल सकते हैं। ये हमारा, इसको हमने सर्विस कर दिया है, तेल चेंज कर दिया, फिल्टर चेंज कर दिया। शायद आपको वीडियो पसंद आया, वो आपके काम आए। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।